दोस्तों, अगर हमारा किचन छोटा हो और साथ ही काउंटर टॉप पर जगह बहुत कम हो तो हमें आलू प्याज जैसी सब्जियों को रखने में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक हैंगिंग DIY ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ, जो आपकी इन दिक्कतों से आपको राहत दिलाएगा। और ये बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से बना है, यानी एकदम ज़ीरो कॉस्ट पर बना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑर्गेनाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। बट इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए मेनली हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है नायलॉन की रस्सी या फिर जूट का रोप, और तीन बड़े बड़े प्लास्टिक के जार, और एक एल्युमिनियम या वुडन पाइप। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के जो तीन जार हमने लिए हैं उन पर कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 5 इंची के हाइट के तीन बास्केट्स हम काट लेंगे। इसे हम क्राफ्ट नाइफ या सीजर के हेल्प से काट सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कर्व लाइन ड्रॉ किया था। और इसी तरह से हम तीनों प्लास्टिक जार्स को काट लेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए, ये तीन बास्केट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो बास्केट्स हैं उनके बॉटम में चार कॉर्नर पर चार डॉट्स मार्क करने हैं। ये सारे बास्केट्स के बॉटम में हमें मार्क करना है, और ये जो डॉट्स हैं उस पर हमें होल बनाना है। तो होल बनाने के लिए हम एक नेल को गर्म कर लेंगे और उसकी हेल्प से इस डॉट्स पर होल्स बना लेंगे। अगर बच्चे ये काम कर रहे हों तो होल्स बनाने के लिए किसी बड़े का हेल्प जरूर लें। ये देखिए, हमने यहाँ पर सारे होल्स बना लिए हैं। तो ये हमारा बास्केट रेडी है ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। अब ऊन के हेल्प से हम जो एज है बास्केट्स के उसके चारों तरफ बटन होल स्टिच से कवर कर लेंगे, और ऐसा हमें तीनों बास्केट के साथ करना है। आप चाहे तो एक ही कलर के ऊन का इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं तीन कलर के ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि वीडियो में मैं किस तरह से काज स्टिच बना रही हूँ बास्केट्स के एजेस में। इसके लिए जो हम निडल यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा मोटा है, जिससे हम प्लास्टिक को आसानी से छेद कर सकते हैं। ये बनाना काफ़ी आसान है और बहुत जल्दी ही ये स्टिच बन जाता है, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत और एलिगेंट लुक आएगा बास्केट्स का। जैसा कि मैं यहाँ पर तीन रंगों के ऊल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये थोड़ा कलरफुल ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैंने तीन कलर्स के ऊल का इस्तेमाल किया है। गले में खराश होने की वजह से मेरी जो आवाज़ है शायद ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। देखिए, मैंने एक बास्केट के एजेस पर बटन होल स्टिच कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दूसरे कलर के ऊन के साथ दूसरे बास्केट पर बटन होल स्टिच बनाऊंगी। अब मेरे तीनों बास्केट्स बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए, मैंने रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स के ऊन का इस्तेमाल किया है। बॉटम के होल्स के ठीक ऊपर की तरफ एजेस में हम चार होल्स और बनाएंगे। अब मैं इसे थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए जो पोर्शन हम सामने की ओर रखेंगे वहाँ पर मैं अपने मनपसंद कुछ पेंटिंग्स बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक खुले बाल वाली एक लेडी का पेंटिंग बना रही हूँ। आपको जो भी पेंटिंग पसंद हो आप बना सकते हैं, वो कोई भी पैटर्न, कोई भी फ्लावर्स, कुछ भी आप बना सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं।
पर मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं पेंटिंग्स बना रही हूँ। मेरे पहले बास्केट का जो पेंटिंग है वो करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरा जो बास्केट है उस पर कुछ फ्लावर्स का पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड बास्केट में मैं किस तरह से फ्लावर का जो पैटर्न है वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर्स बने, 3 पिंक फ्लावर्स बनाए हैं और एक ब्लू फ्लावर्स बनाए हैं और साथ में कुछ लीव्स भी है, तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और ये भी। मैं यहाँ पर पेंटिंग के लिए जो फैब्रिक कलर है वो यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसके ऊपर वार्निश कर दूँगी जिससे ये वाटरप्रूफ हो जाएगा और इसे हम आसानी से साफ भी कर सकते हैं। जब पेंटिंग सूख जाएगी तो मैं इस पर वार्निश करूँगी। जो वार्निश हम फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो सेकंड बास्केट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये बनकर कुछ इस तरह से दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। अब थर्ड बास्केट के लिए ये मैं जो स्केच है वो बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ब्लैक पेंट है उसी से मैं ब्रश की हेल्प से ये बना रही हूँ और इसके बाद मैं कुछ कलर्स मैं इसमें फिल करूँगी। हमारा जो सेकंड बास्केट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, जो कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है। आप कमेंट्स में बताएंगे कि ये पेंटिंग्स आपको कैसी लगी। ये देखिए, ये तीनों बास्केट मैंने पेंट कर लिया है। अब हम एक पाइप लेंगे और पाइप के चारों तरफ उल लपेट देंगे या कोई भी मोटा कॉर्ड लपेट देंगे और बास्केट जो हमने होल्स बनाए थे हम कॉर्ड को दो भागों में काट लेंगे और इच जो कॉर्ड है वो बाहर की तरफ से दोनों होल में, बेस वाले होल में डालकर जो एज वाला होल है वहाँ से बाहर की ओर निकाल लेंगे और इस तरह से दोनों नॉट्स बांध देंगे। ऐसा हमें दूसरे साइड में ही भी करना है। और याद रहे कि ये जो दोनों नॉट्स की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद जैसा हमने फर्स्ट बास्केट के साथ किया था, कॉर्ड ले फोल से पिरोया था, वो हमें सेकंड और थर्ड बास्केट तीनों के साथ ही करना है और नॉट बनाते जाना है। नॉट जो है दोनों तरफ की, उसकी हाइट जो है एकदम इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो बास्केट टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों बास्केट को मैंने जोड़ लिया है। अब तीसरा बास्केट जो है इसी तरह से मैं इसमें जोड़ लूँगी। हमें तीनों बास्केट को एक के ऊपर एक इक्वल हाइट में रखकर जो जोड़ना है, वो भी कॉर्ड के हेल्प से, और ऊपर जो है बना लेना है। आप देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइज़र प्राय हो चुका है। अब इसमें सिर्फ हमें ऊपर वाला हैंडल लगाना है। तो जो ऊपर वाले बास्केट में हमने नॉट्स बनाए थे वहाँ पर नॉट्स के अंदर से हम एक दूसरा कॉर्ड बांधेंगे दोनों नॉट्स के साथ, और ये जो एक्स्ट्रा जो हमने कॉर्ड बांधे हैं उस कॉर्ड को हम जो हमने पाइप ली थी और उसके अंदर से हम इसे पिरो लेंगे ताकि हम इसे टांग सकें। हमने जो ग्रीन कॉर्ड के नॉट्स पर जो कॉर्ड दूसरा कॉर्ड बांधा था उसमें से एक कॉर्ड की लंबाई ज़्यादा रखेंगे और उसको पाइप के भीतर से बाहर की ओर ले जाएंगे, फिर दूसरे सिरा वाला जो कॉर्ड है उसके साथ नॉट बांध लेंगे। इस तरह से हमारा हैंडल जो है वो तैयार हो जाएगा टांगने के लिए।
चलिए अब हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइज़र कैसा बना है। मैंने इसे एक डोर पर टांग कर रखा है आपको दिखाने के लिए, और ये देखिए कुछ ये कुछ इस तरह से लग रहा है। आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कोई मेडिसिन्स हो या फिर छोटी मोटी चीज़ें हो, या फिर आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो, ऑनियंस, टोमेटो वगैरह रखने के लिए, और इसका यूज़ आप ड्रेसिंग टेबल के बगल में इसे टांग करके कॉस्मेटिक्स रखने के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, ये DIY आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे, और कुछ भी अगर समझने में परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।